Shut the fuck up. Okay, so what inspires you? How did you get here? बंद कर <laughs> <laughs> मैं प्यार से तुम्हें भेज रहा हूँ तो तुम चले जाओ तिलक नगर है अभी अंदर भाई इंडिया में देखे तो दिलजीत इमेजिन लाइक ही इट को चला ना यहाँ तो तुम्हारा कच्चा उतार के वो वापस भेजेंगे तुम्हें यहाँ तो तुम्हारे गोली मार देंगे <laughs> विराट कोहली फॉलो ड्यू एंड अनुष्का शर्मा मैं सिस्टर के बैग लाइक तुमने फॉलो बैक तो किया ना लाइक वो रु फॉलो बैक किया था लोअर कास्ट से है तुम लोग ऐसा हो गया था गूगल तो कर एक बारिपीडिया वेलकम प्रभ भाई पंजाबी हिपहॉप इजनली फाइनली आई गेट टू टॉक टू अर्सन मेक्स म्यूजिक राइट फ्रॉम हार्ट and uh, then thinks about anything else how it will be received but he does put out everything that comes from his heart दो तीन दिन से हम लगातार सुन रहे हैं वैसे हम सुनते ही रहते हैं तुम्हारा म्यूजिक इनफैक्ट हम एडिट पे बैठते हैं तो तुम्हारा म्यूजिक ही पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है कितनी बार अनिमेश इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स सो वेलकम बाय एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर मैन सिक रियली लव योर वर्क एज वेल ब्रो थैंक यू मजेदार एकदम

एंड स्पेशर जिम एनर्जी यार वैसे ये थप्पड़ कोई डिस्क वगैरा तो नहीं है किसी को <laughs> ऐसा ऐसा वाला सीन नहीं था आजा. मेरा uh, मैं बहुत जैसे आपने बोला ना जिम में अ uh, ये मेरा वो वाला ट्रैक है जब मैं भागने जाता था ना दस किलोमीटर भाग रहा हूं दिन में हां हाँ, वो एनर्जी कैप्चर करनी थी मेरे को कि लेट्स गो हाँ, भागो भाई वो हाँ, वो पावर चाहिए थी मेरे को मैं बहुत मिस कर रहा था काफी टाइम से फैंस हाँ, भी हाँ, बहुत मिस कर रहे थे काफी टाइम हाँ, से कि यार अह हाँ, पुराना रॅप चाहिए थोड़ा सा रैप चाहिए और हां हां और पहला इंडिपेंडेंट रिलीज यू you नो know, mm -hmm. हमने मैंने चार गाने बना रखे थे मैंने mm -hmm. अपने क्रिएटिव डायरेक्टर को बिठाया मैंने उससे mm -hmm. उसको चारों गाने सुनाए शिपिक थप्पड़ और मैंने बोला सही है थप्पड़ जाएगा हमने वीडियो शूट कर लिया है कल वीडियो आ रहा है बाय द वे ओह नाइस सिक हां थप्पड़ का एंड mm डायरेक्ट -hmm. uh, भी मैंने खुद किया प्रोड्यूस खुद किया यू you नो know, वीडियो mm -hmm. पैसा लगाया अपना खुद का mm -hmm. Hmm. तो पूरा कंट्रोल जब था अपने पास इट वॉज वे लेस स्ट्रेसफुल, लाइक स्ट्रेस फ्री था काफी hmm. पूरा प्रोसेस जो था hmm. क्योंकि इंटेंशन ऐसी थी कि यार uh, इंडिपेंडेंट yeah, अब मैं मैं क्रेडिट देना चाहता हूं लोगों को बैंक अकाउंट में अभी अच्छा मेक सेंस राइट हाँ क्योंकि मैं उस 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 चीज को जिया हूं वेन योर आर्ट समबडी सपोर्ट्स यू फॉर योर आर्ट एंड नथिंग एल्स मेरे नहीं को परवाह नहीं है तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में uh, uh, अगर तुम्हारा आर्ट अच्छा है आम गोना लाइक like, मैं तुमको अपने प्रोजेक्ट पे लाऊंगा एंड यू विल गेट पेड फॉर इट ये मैंने इस आइडियोलॉजी से इंडिपेंडेंट अपनी इंडिपेंडेंस चालू करी राइट एंड इट वॉज

इंडिपेंडेंस पूरी थी क्रिएटिव फ्रीडम कभी हमेशा मेरा ही था शुरू से कि जो मुझे बोलना है जो बनाना है जैसा वीडियो बनाना है उसमें उस मामले में पूरा सपोर्ट दिया आई थिंक अभी विजन बहुत अलग है द वे वी स्टार्टेड विजन वॉज डिफरेंट अभी मेरा भी अलग हो गया अभी लाइफ में विजन एक कि मेरे को कहा जाना है और लेबल को किधर जाना है उनका भी विजन डिफरेंट है हो सकता hmm. है क्या पता मेरा ही अलग हो सिर्फ hmm. क्योंकि मैं अपना ही देख रहा हूँ वहां नहीं जाना जहां लाइक like, मेरे को किसी और तरीके से मूव करना है hmm. अपने आप को पोजिशन भी अलग तरीके से करना है इंडस्ट्री में यू नो मेक सेंस और मैंने देखा है तुम्हारे जिस हिसाब से गाने हैं द वे यू विजुअलाइज नॉट ओनली द लिरिक्स बट द एंटायर द होल पॉइंट राइट फ्रॉम द लिरिक्स टू द बीट टू द वे यू डू योर वीडियो

मेरे लिए वो एफर्ट नहीं है मेरे लिए वो फन exactly. है so. hmm. मेरे, को, so well. हाँ, मेरे को मेरे hmm. मेरे को को बहुत मजा आता है जब भी मैं मूवीज लाइक विजुअली विजुअल आर्ट का वैसे ही मैं बहुत बड़ा फैन हूँ hmm. तो जब भी यू ऑल्सो रिव्यू यू नो मूवीज दैट्स आई कनेक्टेड टू यू कि ओके दिस इज एक्चुअली लाइक ऑनेस्ट रिव्यूज कि फीलिंग से पता लग जाता है कि ये सही है या गलत है फीलिंग हाँ। फीलिंग होती है ना अंदर की यार ये सही नहीं है हाँ। तो मैं वो कैप्चर करता हूँ कि हाँ। मेरा फ्रेम कैसा लग रहा है इवन लाइक यहाँ जो भी मैंने बनाया है ये पूरा फ्रेम एस्थेटिक दैट्स जस्ट हुआ आई एम लाइक ये मैं कुछ खरीद के नहीं लाया हूँ मैं रोज हाँ। ही ऐसे रहता हूँ mm -hmm. मेरे को रोज ऐसा लाइटिंग थोड़ा मूड चाहिए रहता है लाइफ में मेरा लाइफ mm -hmm. और मैं वो प्रोजेक्शन आर्टिस्ट का आर्टिस्ट जो रियल लाइफ में कर रहा है ना वो Uh, उसके आर्ट में दिखता है चाहे वो किसी भी लेवल पे बना रहा हो कमर्शियली हो या अंडरग्राउंड हो या uh, कहीं किसी भी लेवल पे बनाए उनका वो रिफ्लेक्ट होता है मैं ऐसे ही रहता हूं तो मेरा वो रिफ्लेक्ट होता है कि आई आई लाइक एवरी सब बहुत अच्छा होना चाहिए क्वालिटी होना चाहिए लाइफ क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे फोटोशूट भी जो तुमने अभी पीछे किए थे कुछ मेरे ख्याल टाइम पहले महीनों पर पहले दोस्थेटिक

Even, I have seen the choice of sunglasses yeah. that you make, right? The, the, the choice of clothes you make, right? In your in even in your yeah. videos as well, right? Tilak Nagar se ek londa hai. Aaj behind wo aisa wo banara hai. So there there has to be something. There has to be some inspiration. Ki bhai. Bhai. इस बात से तो मैं भी बहुत ट्रिप खाता हूँ कभी कभी जब मैं एकदम वैसे सेल्फ डाउट में चला जाता हूँ देन आई लुक बैक वेर आई कम फ्रॉम हाँ। और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जहां से मैं आया हूँ कितने लोग ये एक्सपीरियंस कर पाए हैं अभी तक या वो निकल भी पाए हैं वहां से हुँ, ये हुँ. सब आ, आ, क्योंकि जब तुम काम में घुसते हो यार Absolutely. तो एक अलग यू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर वो जोन ही बहुत अलग होता है हाँ। और इसका सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकता मेरे अराउंड Uh, बहुत अच्छे जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ आई पिक रियली गुड एक्सपीरियंस पीपल जिनको अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी समझ है hmm. तो मैं ना उनके प्रोसेस में घुसता हूं मैं उन्हें बस बताता हूँ मेरे को ये चाहिए और खुशी खुशी सब वही हो रहा होता है क्रिएटिवली तो great. बड़ा हाँ एक टीम ऐसी मिल जाए ना जिनसे वेवलेंथ मिलती हो तो काम और आसान हो जाता है यू स्टार्ट एंजॉय प्रोसेस मोर बिकॉज फ्रिक्शन नहीं रहती कहीं पर भी उनको पता है कि इसको क्या हाँ. चाहिए एंड दे वुड गिव ऑलमोस्ट अगर वही नहीं मिलेगा तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट व्हाटएवर यू एक्सपेक्टेड यू कैन फाइंड दैट वैसे ये ये नहीं है अब मैंने अपना पर्सपेक्टिव अभी चेंज किया है इसको लेके कि मुझे मेरे को मैं सामने वाले को ये नहीं बोलता जैसे मेरा अगर मैंने डीओपी के साथ काम किया अभी मैंने उसको ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए और तू मेरे को यही करके दे हुँ. मैंने उसको बोला कि मेरे को ये चाहिए तू अपना एक्सपीरियंस जितना भी तेरे को हो गया है दस साल पांच साल तू अपना एक्सपीरियंस डाल इस इसमें यू शुड ऑल यू शुड ऑल्सो अकेले तो के, तो के लिए नहीं फन hmm. चाहिए hmm. हाँ नाउ दिस इज द आइडिया यू एग्जीक्यूटेड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ये ये साइड पे hmm. तू ए हेड यू आर टेकिंग द कॉल देयर स्टाइलिंग में एक

तो अब मैंने वो समझना चालू किया अब मैं काम देखता हूं पहले फिर मिलता हूं चेक होती है बैठता हूं कोर टीम के साथ कि बताओ क्या है। सीन है हाँ तो वो वाइप मैच हो गई तब मेरे को चलते चलते ही वो सारी चीजें पता लगती है धक्के खागा का इंसान सीखता है और वही हर को भाई बहुत खाया बनता है बहुत गाय ना बहुत अब अब ये बताओ यार कोई वो बताओ तिलक नगर से निकले हो तुम गलियों से मैं रोहिणी से हूँ ठीक है

मतलब मैं एक टाइम पे कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था और मेरा अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं मैं आई थिंक यू हैव दैट एक्सपीरियंस वेयर ऑल्सोर लाइक बिल्डिंग फॉर ड्रीम है ना yeah, कि तुम तो उसके लिए काम करके उनको और तुम्हें भी मिल रहा है उसका फल पैसा कमा रहे हो तुम लोग बट वो पैसा सेटिस्फेक्शन नहीं देता था कभी एंड uh, एक दिन मेरा दिमाग फ्लिप हुआ मैं घर पे आया मैंने मम्मी से बात करी मैं कहा देखो ये तो नहीं कर पा रहा मैं और मैं महीने का लाख डेढ़ लाख रुपए कमा रहा था उस टाइम दिस इज टेन इयर्स बैक और एक ही दम से मैं डेढ़ लाख रुपए महीने से तीन सौ रुपए महीने पे आ गया दस रुपए दिन का अच्छा हाँ। पर उस, उस, उस हाँ। hmm. और वो बस मेरे पास एक चीज थी मेरे मेरे में मेरा खुद का बिलीव hmm. कि मैं अपने में बिलीव करता हूं फुल पावर ये होएगा ही होएगा मैं विजन कर पा रहा था जब कुछ नहीं था एक भी गाना नहीं है कुछ नहीं है स्टडी अच्छा, किया मैंने इंटरनेट का कुछ भी नहीं था।, था स्टोर रूम में स्टूडियो था चेयर भी नहीं थी नीचे गद्दे पे बैठ के वही लैपटॉप लगा के वही बना रहा था मैं गाना माइक हाथ में पकड़ के स्टैंड भी नहीं था मेरे पास धीरे धीरे करते करते मेरी मॉम ने घर संभाला पूरा स्टार्टेड वर्किंग और मेरे को कभी

मेरे को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती मेरे को जब चाय चाहिए मैं एक बार बोलता चाय पीनी है तो वो मेरा इतना ही है ब्रो मेरा बेसिक है कि खाना पीना अच्छा होना चाहिए सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए घर पे परिवार है डॉग है मेरे पास मैं खुश हूं म्यूजिक बना पा रहा हूँ बढ़िया एकदम अब बस ये है कि एलिवेट करना है घर तो बड़ा चाहिए और <laughs> वो तो हा, हा, यार देखो <laughs> ये वाले जो मोटिवेशन है ना मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूं कि ये मत बोलो कि भाई पैसा नहीं बनाना राइट right? पैसा बहुत सारी मे भी पैसा हैप्पीनेस बहुत लोग कहते हैं एंड इट्स ऑलवेज द रिचेस्ट पीपल हु कम अप विद बुलेट राइट कि पैसा हैप्पीनेस नहीं लाता मैंने कहा भाई ठीक है पहले कमा तो लो उस लेवल पे पहुंच जाओ फिर ज्ञान चुनना हाँ और क्या पैसा भाई पैसा फ्रीडम लेके देता है एप्सोलूटली यार yeah. पैसा मनी विल बाय यू फ्रीडम उसी के लिए काम कर रहा हूं मैं मैं फेमस होने के लिए काम नहीं कर रहा हूं मैं काम कर रहा हूँ सिंपल एज दैट बाई हाँ सिंपल बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम तिलक नगर रोहिणी से आ रहे हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट वी हैव इन लाइफ इज मनी ऑल्सो राइट

और भाई घर में चार अच्छा। लोग थे मम्मी पापा डबल बेड पे सोते थे बे और 25 साल की उम्र तक मैं वहां सोया हूँ और मैं हर बार सुबहता है छोटा था, था वो घर था मैंने कहा नहीं था मैंने कहा भाई बंदे बंदा चढ़ा हुआ था एंड एवरी डे आई वु मुझे बड़े घर में जाना है सो मेकिंग मनी फाइनेंशियल गेन ऑलवेज बीन एंड इट शुड बी योर मोटिव इट विलसकोर्स एंड लाइक इट विल इट विल ब्रिंग देखो तुम्हें रिच बनना है या तुम्हें वेल्थी बनना है डिफरेंस है ना वेल्थ hmm. और रिचनेस uh, में डिफरेंट डिफरेंस है लाइक like, मेरे को वेल्थ चाहिए विच इज विच विल ब्रिंग हेल्थ टू मी एंड माय फैमिली एंड माय लव्ड वंस वो अपना गोल है लॉन्ग टर्म कि भैया मेरे को सबको डॉक्टर के पास तो नहीं दवाइयों पे जिंदा नहीं रखना भाई बिकॉज ऑफ बैड एयर या कुछ ऐसा इसीलिए मैं गोवा मूव hmm. हुआ hmm. कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड करनी है राइट right, एब्सोल्युटली और आ, ये हम जहां से आते हैं यार अपनी सराउंडिंग mm. भी सीइंग थ्रू दैट सीइंग थ्रू दैट रियलिटी वेयर वी कम फ्रॉम इज हार्ड लाइक ब्लरी हो जाता है सारा yeah. कि yeah. सच्चाई है क्या स्टेप आउट करोगे लाइक मेरे जो मेंटोर्स हैं एक हाफ जर्मन हाफ इंडियन है और एक हाफ सुदनीस हाफ इंडियन है हाफ पंजाबी okay. है <laughs> तो मैं मेरा अर्ली डेज में एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रियालिटी कि वो hmm. ऐसे भी जी सकते हैं hmm. तो अलग हो गया था तो फिर जब मैं वापस नेबरहुड आता था उनको रिकॉर्ड करके या उनके साथ कुछ भी करके तो मेरा hmm. बहुत प्रस्पेक्टिव ऐसे बाहर की दुनिया टेस्ट कर ली ना hmm. Hmm. एक अलग रियालिटी टेस्ट कर ली right. तो देन यू हैव टू चूज कहा मुड़ना है ऑन दी वे मैंने अपनी बना ली खुद

कि हाँ भाई पैसा आ जाएगा इन स्टफ लाइक दैट ब्रो यू इफ यू आर एन आर्टिस्ट इफ यू आर एन एंटरटेनर इफ यू आर पुटिंग आउट यू हैव टू बी बोथ एंटरटेनर एंड अ एट द एंड ऑफ द डे या ये ये मैं हर आर्टिस्ट को बोलना चाहूंगा कि जितनी जल्दी समझ लो कि कोई भी आर्ट कर रहे हो आर्ट एंड बिजनेस दोनों का बैलेंस बना के चलो पर एक चीज है सोसाइटी है ना बिजनेस के बिना सरवाइव कर सकती है hmm. आर्ट के बिना नहीं कर सकती राइट राइट आर्टिस्ट को जब यह समझ में आएगा तो तुम्हारे मैक, जो मैक्रो होते हैं लाइफ में वो चेंज हो जाएंगे hmm. hmm. फिर तुम्हारे अंदर तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं है बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है अगर हम म्यूजिक बिजनेस को लेके चले म्यूजिक बिजनेस ठीक है म्यूजिक पहले आता है बिजनेस बाद में म्यूजिक नहीं होगा तो बेचेंगे क्या <laughs> है ना वो तो पहला तो वही है ना सो कीप दिस फर्स्ट मेक इट बैठो अपना और बनाओ जो तुम्हें बनाना है देन मेक अ प्लान आउट ऑफ इट कि इसको ओके mm. okay, अब मैंने ये परस्पेक्टिव से बनाया इसको मार्केट कैसे करूं मैं mm. और जब तक तुम नहीं सोच रहे हो कि mm. जब तक तुम्हारे अंदर वो हंगर नहीं है कि हाँ मेरे को करना है मेरे को लेवल अप करना है हर नॉट जस्ट इन आर्ट फाइनेंशियली मेंटली कि एक पीसफुल जिंदगी भी होनी बहुत जरूरी है तुम्हारे पास पैसा आ गया दीज रिच पीपल वेन दे कि पैसा हैप्पीनेस नहीं लेके आता बिकॉज उन्होंने वो पीस टेस्ट नहीं किया कभी दे डिंट वर्क टूवर्ड्स द पीस ये गलत कहावत है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है ऐसा नहीं है तुम जी सकते हो बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ भी तुम्हारे ऊपर है तुम हा, कैसे हा, टैकल कर रहे हो <laughs> बहुत सारी ऐसी ये कहानियां गाई गई है ना बहुत सारी इनमें फ्लॉज है रियल लाइफ जैसे तुमने कहा कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे दुनिया के बारे में पता लगा अलग अलग चीजों के बारे में पता लगा एंड फिर तुमने ये डिडक्ट किया कि हाँ यार भैया ये जो से चली आ रही है कि बिना प्रॉब्लम के लाइफ नहीं चल सकती यू आर राइट मनी कैन सोल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड तुम अपने आप भी एज अ पर्सनैलिटी यू आर यू कैन कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ हाँ? और यार एक एक यारीज मैं आर्टिस्ट सेंट्रिक बात करूंगा ये कि हम लोगों को लोन्स नहीं मिलते hmm. मतलब इंडिया में तो नहीं है hmm. मैं खुद गया हूं बैंक That's लोन hmm. लेने वेर आई शोड माई आई टी आर तीन साल का मैंने बोला मैंने इतना बिजनेस uh, किया है uh, पिछले तीन साल में और मैं स्टेब्लिश आर्टिस्ट हूं एंड आई अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, आई हैव क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एज वेल मेरे को बैंक uh, मैनेजर ने पता क्या बोला कि भाई आर्टिस्ट का कॉलम ही नहीं है बताओ, आर्टिस्ट का कॉलम <laughs> कलाकार का कॉलम नहीं है बैंक में <laughs> तू क्या बात कर रहा है तू जितना मर्जी हाँ. अच्छा हो जितना मर्जी तेरे विजनरी हो तेरे को हाँ. लोन नहीं मिलेगा बैंक से हाँ. अब आती है ब, बात फंडिंग की तुम फंड कैसे कर रहे हो अपने हाँ को, है ना वही फाइनेंशियली वही अटकता है कि यार आ, मैं अभी तो बना रहा हूं पर पांच साल बाद क्या करूंगा जब डाउनफॉल आएगा क्योंकि डिप तो आता ही है भाई हमेशा डिप के लिए ये जो सोने सोने की चेने है ना ये बनवा के रखो ये बेच के बाद में बहुत पैसा <laughs> <laughs> बहुत काम आता है <laughs> 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 <जलता> <laughs> तो वो आर्टिस्ट अब मेरे ख्याल से अब हम अपने आप को खुद फंड कर सकते हैं मैं खुद ये चालू करना चाहता हूं अगर मैं पहुंच गया आई विल फंड आर्टिस्ट आई डोंट वॉन्ट दैट मनी बैक आई डोंट वॉन्ट योर राइट आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बट मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि तुम इस पैसे का बहुत अच्छा कुछ करो मैं दूंगा भी उन्हीं को ही जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उनको जब तुम बन जाओ तो तुम आगे किसी की हेल्प कर देना क्योंकि मैं यहां तक पहुंचा हूं मेरी किसी ने हेल्प करी है मेरे 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 मेंटोर ने मेरे को को माइक दिया दिया गया था, दस साल पहले मेरे को एट ट्रैक दिया गया था था साल पहले ट्रैक मिक्सर कि ये ले तू बना ले और वो मेरा मेंटोर चला गया वापस कि अच्छा। मैं अब अपने रस्ते जा रहा हूं कि तू देख इसका हाँ। दस साल बाद मैंने अभी उससे दो हफ्ते पहले जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैं मैंने इस बारे में उसको अपना दिया दिया कि तूने वो 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 मेरे को माइक माइक और 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 मैं देख मैं देख आज कभी-कभार भी भी छोटी सी एनकरेजमेंट मिल गया हाँ। उस टाइम इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन हाँ। कर जाता है कभी कभार कि बंदे को आपने भी नहीं सोचा होगा कि यार ये माइक से मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा आज मैं एक पूरे फुल फ्लजेड स्टूडियो उसने दिया मेरे को मतलब मेरे चिट्टा और ये सारे गाने सब उस पर रिकॉर्ड हुए हाँ, हाँ, तो, <laughs> तो मतलब वो टेस्टमेंट है उसका कि दिस कैन चेंज तो मैंने उससे पूछा आपने जसपाल सिंह नाम है इनका पीएचडी है मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न क्या चाहिए तेरे को लाइक आई एम हियर लाइक यू वांट आई न्यू ही डेंट वांटेड एनीथिंग क्योंकि उसने उस उस फीलिंग से नहीं दिया था मेरे को माइक की मेरे को कुछ चाहिए पर मैंने फिर भी उससे पूछा व्हाट डू यू नीड दैट आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग ही इज लाइक हेल्प समबडी हु नीड्स हेल्प नाउ इट्स योर टाइम टू गिव बैक तो मेरे को yeah. वो एकदम से वो हुआ तो मैंने फिर ये प्लान बनाया मैंने कहा भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन आर्टिस्ट्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न बैक मेरा रिटर्न ये होगा कि भाई आर्ट ऐसी होनी चाहिए ना hmm. कि hmm. देख के मजा आ गया और तुम हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हो इससे हाँ हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू पिच योर म्यूजिक बिकॉज तुम्हारी साउंड बिल्कुल डिफरेंट है राइट योर हाउ यू विजुलाइज योर वीडियो सेट्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू आल्सो वेरी वेल नो कि तुम्हारी जो साउंड है वो बहुत यूनिक है एंड वंस यू आर वेरी यूनिक जब आप सौ की भीड़ में एक अलग चमकते हो ना तुम्हारे स्ट्रगल अलग हो जाते हैं राइट right? वो सौ निन्यानवे जैसे स्ट्रगल नहीं है तुम्हारे तुम्हारे उस एक बंदे का स्ट्रगल है जो वो निन्यानवे नहीं समझेंगे so how how hard was it for you to establish yourself to establish your sound in this industry which is governed by lamborghinis dangi ladkiyan gold ki chain har baat pe gangster banna right it's how difficult it was for you uh yaar uh, difficult देखो मेरे को इतना पता था जैसे आपने बोला ना भीड़ में चमकना वो तो मेरे को पता था कि मैं चमक रहा हूं लाइट इतनी ब्राइट है मेरी लाइट कि मैं कुछ ना भी करूं तो भी मैं चमक रहा हूं माई म्यूजिक डज नॉट शो माई वर्थ आई एम माई वर्थ मैं अगर बिना कपड़ों के भी बिना किसी ज्वेलरी के भी तुम्हारे साथ बात करने बैठा हूं दैट्स माई वर्थ मेरा एक्सपीरियंस hmm. मेरा वर्थ है तो मेरे को मेरे लिए बहुत सॉर्टेड था मेंटली चैलेंज चैलेंजेस तब आए जब मैंने देखा कि जिस चीज पे मैंने पैसा टाइम एनर्जी ब्लड स्वेट टीयर लाइक सब दे दिया ठीक है एक एल्बम को और वो काम नहीं किया hmm. तब मेरे को ऐसा दैट्स वेयर द मेंटल बैटल स्टार्टेड कि आर यू ऑन द राइट पाथ वो देन दैट कॉन्फिडेंस वॉज शेकन फिर मेरे को सेल्फ डाउट चालू हुआ वो दैट वाज द मेन जो आप कह रहे हो दिक्कतें बाकी नहीं समझ पाएंगे फिर मैं गुस्सा होना चालू हुआ फिर वो गुस्सा खत्म हुआ फिर मैंने समझा उसको अब मैं बाहर निकला हूं उससे hmm. कि पर्पस क्या है क्यों बना रहा है पर्पस है डन हो गया ठीक है mm. और चलना कैसे है मूव कैसे कर रहा है इंडस्ट्री में mm. इस टाइम पे मेरे को पता है कि आ, अगर मैं कुछ नया लेके आता हूं तो मेरी गेम इस जैसे होता है ना कि तुमने गाना डाला एंड देन यू टैप इनटू योर परफॉर्मेंस की कैसा परफॉर्म कर रहा है यू ऑल्सो डू दैट विद योर चैनल हाउ इट्स परफॉर्मिंग है ना माई माई गेम इज लॉन्ग टर्म कि ये अभी मेरी ऑडियंस अठारह से चौबीस की है hmm. अभी ये ये लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे नाउ दे आर गोइंग इन टू लाइफ अब ये बाहर निकल रहे हैं ना पैसा hmm. कमाने के लिए काम करने के लिए धीरे hmm. धीरे करके इनको बातें समझ में आएगी जो दो साल पहले बोली थी मैंने राइट तो मेरी वो गेम है अभी मेरे को लंबा मेरे को लंबे टाइम तक टिकना है हाँ, नहीं तो, तो ये मैंने ये समझा हाँ ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है एनालिटिक्स देख के मैंने ये जो भी मैं साउंड पिक कर रहा हूँ बना रहा हूँ एंड मोर देन दैट माय पर्पस इज टू इंस्पायर मैं अपने हेटर्स को भी इंस्पायर करना चाहता हूँ आगे बोलेंगे नहीं कभी कभी नहीं बोलेंगे <laughs> नहीं 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 कोई नहीं बोलेगा तभी तो हेटर्स हैं हाँ। तभी तो हेटर्स हैं अगर, अगर अप्रिशिएटर्स हो रहा है हाँ। तो वो हमेशा बोलते ही ना आगे अगर कोई तुम्हारे से कुछ सीख रहा है तो वो तुम्हारे को अप्रिशिएट करेगा हाँ। नहीं तो वो पीछे से वो बोलेगा एंड आई थिंक म्यूजिक में एक ऐसी चीज है वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह पर इंस्पायर करता ही है राइट और वो इंस्पायर कैसे कर रहा है जैसे अभी तुमने बोला कि 18 साल के थे वो 20 साल के हो रहे हैं नौकरी करने जा रहे हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं अभी तक जो लॉन्डे सिर्फ तुम्हारी बीट पे वाइब कर रहे थे ना अब वो तुम्हारे लिरिक्स को समझेंगे राइट right? तो ये चीज बहुत सही ये है ये एक इन्वेस्टमेंट ये है एक एक बीज की तरह हो गया जो तुमने दो साल पहले बोल दिया था लेकिन इन टू लाइफ सो डिफरेंट डिफरेंट सॉ केम आउट ऑफ प्रब हा अभी हाँ। अब ये बंदा अभी ये बंदा ईयरफोन्स लगा के मेट्रो में जैसे मैं लगा के जाता था जॉब पे अब कोई जा रहा होगा और वो सुन रहा होगा और वो बोल हाँ। रहा होगा ओ अब हाँ। समझ में आया ओ ऐसा भी मूव कर सकते हैं लाइफ में हाँ, हाँ ये मेरा पर्पज तो वही है भाई हाँ। मेरा पर्पस निकालूंगा मैं बीच में कभी कभी फन के लिए ट्रैप ये पी जो हुई विच वॉज अ रियली मेरे को थोड़ा सा वो रिफ्रेशिंग चाहिए था कि ओके फन करना भाई क्या हो गया लाइक सेट के साथ फन भी कर सकते हैं जरूरी नहीं अब

उसके पागल हो जाएंगे बट दैट वीडियो इज नॉट रिसीव्ड एज एज वेल एज आई वॉन्टेड इट टू बी रिसीव राइट सो हाउ डिड यू डील विद दैट और वो वो चीज ना बहुत वो एक आर्टिस्ट या एंटरटेनर ही समझ सकता है कि वो जो तुम साइलो में चले जाते हो ना उसके बाद द डार्क रैबिट होल ऑफ थिंकिंग एंड सेल्फ एनालिसिस कि यार आप अपने आप को सेल्फ डाउट अपने आप को क्वेश्चन करना चाहते हो कि तू क्या आर्टिस्ट बनेगा

अच्छा। <laughs> अभी तक वो चुकाया नहीं गया और उस एल्बम पे ताबिया पे मैं हम सबसे ज्यादा पैसा लगा hmm. And, uh, मेरा बस uh, वो जो डार्क डार्कनेस होती है ना hmm. दिमाग के अंदर ही है मतलब मैं ऐसे रह रहा हूं कि मेरे बेल्कनी में बैल्कनी से आम का पेड़ दिख रहा है Hmm. मैं बीच से दो मिनट दूर हूं मेरे को hmm. ओशन की आवाज आ रही है आई मीन अ वेरी काम सेटिंग पर hmm. मेरे दिमाग के अंदर है तूफान तूफान hmm. वो लाइव वीडियो मैंने अपने बैल्कनी में बैठ के बनाई है गोवा में hmm. जो बहुत सही टाइम हो सकता था एंड माय हार्ट गोज आउट फॉर आर्टिस्ट जो इस टाइम hmm. से निकलते हैं मैं उनको बस ये बोलना चाहता हूं तुम तो अकेले नहीं हो मैं गया हूं बहुत लोग जा रहे हैं सो so यूर हमें बहुत लगता है कि मैं अकेला हूं नहीं है भाई तू अकेला जो ये सुन रहा है सुन ले भाई अकेला नहीं है तू yeah. हम सब जाते हैं इससे इट्स इट्स ऑल गुड एंड यूल कम आउट ऑफ इट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ आप ट्रैक ट्रैक किया है आपने पहाड़ वहाड़ चढ़े हो कभी है ना हिमाचल हिमाचल गई हो गए तो जब ट्रैक पे जाते हो तब आप एक पहाड़ चढ़ते हो फिर आप उतरते हो फिर आप दूसरा चढ़ते हो, हो फिर उतरते हो फिर आप तीसरा चढ़ते हो एंड देन यू यूर क्लाइंबिंग हायर एंड हायर है ना करियर hmm. भी वैसा ही है इट्स नॉट गोना बी लाइक फ्लैट इवन आर्टिस्ट जो uh, जो हमें लगता है कि इनका करियर 20 साल 30 साल सस्टेन किया इन्होंने hmm. उनके करियर में भी डिप थे जारी अगर जारी आप क्लोजली देखोगे तो हाँ वो डिप बहुत जरूरी होता है और ये मैं समझा हूं अभी कि ओके okay, डिप जब भी ऐसा होता है ना डाउन है तब मैं अब ऐसा रहता हूं चलो ये टाइम है एंजॉय hmm. करने का बिकॉज यूर क्लाइम्बिंग डाउन तो इजी इज ईस्ट से नीचे आओ hmm. रो के लड़के नीचे नहीं आना ईस्ट hmm. से नीचे आओ बिकॉज इसके बाद जो ऊपर वापस चढ़ना है ना वो स्टीप है hmm. क्योंकि अगला अगला पीक है ना अभी जो चढ़ रहे हो या तो आप वहीं ठहर जाओ hmm. और वहीं से आप मुड़ जाओ वापस Hmm. या तो आप देखोगी भाई आधे रस्ते तो आए गए आधा और चढ़ लेते हैं क्या हो गया तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और एक और एनालिजी थी मेरी ये जब जब मैंने समझा ना कि आ, काम तो नहीं कर रहा है अकेले हूं ये हो तो मैंने आ, मैं लद्दाख गया गाड़ी चला के अलग अलग अपने अपने रस्ते ढूंढे तो मेरे को वहां समझ में आया कि मेरा अपना रास्ता है जो मैं बना रहा हूं Hmm. ये किसी और का एक होता है जो स्टैंडर्ड है देर आर स्टैंडर्ड वेयर यू फॉलो दिस एंड यूल हमेशा ओपन है वो मेरे लिए मैं कभी भी वो कर सकता हूं अगर मैं ये बना सकता हूं तो मैं वो भी बना सकता हूँ एंड आई ट्राइड इट ऑल्सो आई मेड इट मेरे को मजा नहीं आया hmm. तो मेरे को समझ में आ गया मेरा रास्ता नहीं है hmm. तो जब तुम अपना रास्ता पहाड़ों पे hmm. तुम वो पीक चढ़ने के लिए अपना रास्ता काट रहे हो मेरे तो व्यूज भी अलग है ना फिर hmm. मैं जहां बैठा हूँ वहां जहाँ जो मेरे को दिख रहा है वो किसी और को दिख भी नहीं रहा मेरे hmm. आसपास भीड़ भी नहीं है आ, exactly. और मेरे आसपास वही लोग हैं जो मुझे चाहिए कंटेंट वाइज भी दिमाग में भीड़ नहीं है कंटेंट वाइज भी दिमाग में क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए राइट हाँ कि अभी या या तो मेरे रास्ते में ये दिक्कत आ गई तुम तुम चढ़ रहे हो और रात को भालू आ गया ठीक तो है।, हाँ, है अब इससे कैसे टैकल करे हाँ। या तो तुम ऐसे हाथ खड़े कर दो कि भैया तू मार दे मेरे को हाँ। या तो तुम उससे स्मार्टली खेलो उस हाँ। वे में या तुम शोर मचाओ थोड़ा सा कि वो भागे तुमसे डरे अपना हाँ। तुम, थोड़ा हाँ, थोड़, हाँ।, 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 हाँ। तो तुम्हारे पास वही है वही और ये ये चॉइसेस हर चॉइस तुम्हारी डिपेंड करती है तुम तो पीक पे पहुंचोगे या नहीं Absolutely. जितना टाइम लेके ऊपर पहुंचोगे ना जितना hmm. सीख सीख के ऊपर पहुंचोगे उतना उतना सस्टेन कर पाओगे हाँ uh, कैंड्रिक की एल्बम में, ना, की लगता लगता में आ, दौक, वो डॉक्टर ड्रे को फोन करता है ठीक hmm. है कि आ, और डॉक्टर ड्रे डॉक्टर ड्रे का वॉइस नोट है उसके अंदर Remember you came to the house and asked me that I want to be here where you are. Hmm. Dre ki, anyone can get it. Hmm. Anyone can be here on top. Hmm. Hard part is to keep it. To keep it. To keep it. Absolutely. Haan. To Haan. be here hmm. on like the level you reached. Right. And Dre's career is a testament to this thing. डॉक्टर ड्रे हैज बिन रेलिवेंट फॉर उसने दस साल से क्रॉनिक के बाद कोई एल्बम ड्रॉप नहीं करी है इनफैक्ट ईयर दिस ईयर कोई कोई एल्बम ड्रॉप नहीं करी है उसने और उसमें उसने एप्पल को बिलियन डॉलर से डील साइन करी ड्रे बीट्स बेचा राइट ही मेड अलियन डॉलर एम्पायर ही लॉस्ट हिज सन राइट ही लॉस्ट हिज वाइफ डिवोर्स में डिवोर्स हो गया उसका

देखे तो मेरे को दिलजीत दिलजीत जी, दिल जी, जी सर बोलूंगा मैं बोला बिकॉज ही ब्लू अनाज इन दोस्त मैं स्कूल में था भाई स्कूल में था no, हाँ। किया था ले आ तू <laughs> ले। so, वो गाना था भाई इमेजिन लाइक हां लाइक फ्रॉम वेयर टू वेयर लाइक आई एम श्योर ही हैड हिज ओन डिप्स की लाइक वेयर ही फेल्ट लाइक नथिंग इज वर्किंग बाउंस बैक तो वो भी मेरे लिए वो भी हम अपने अपने देश में हमारे यहाँ तो नहीं है अभी गैंगस्टर कल्चर नहीं है वैसे वाला कि हाँ अपने यहाँ पे अलग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है एजुकेशन इज वन ऑफ दोज मतलब अगर मेरे को पहले साल जब मैंने पैसा कमाया था ना भाई फिर अ, अंकल सैम आते हैं हमारे यहाँ तो अंकल सैम नहीं है अंकल नहीं। सुमेंदर हो गए शायद <laughs> अंकल <सो> <laughs> आके बोलते हैं भैया पैसा टैक्स लाओ मैं बोला <laughs> टैक्स किस चीज <थीज़> का भाई <laughs> मेहनत का पैसा कमा रहा हूँ ये <laughs> कितना क्या स्लैब है क्या कुछ है कोई <laughs> आइडिया नहीं था मेरे को क्या <laughs> होता है <laughs> तो अपना पैसा ही अपनी मेहनत का पैसा ही मैंने फिर टैक्स में जब भरा <laughs> तो मेरे को समझ और लाइक जब तुम्हारे जेब से जाते हैं ना फाइनेंशियली देन यू अंडरस्टैंड शिट तो वो एजुकेशन नहीं थी पहले तो ठीक है और आ, मैं बोला अच्छा ठीक है नई एक चीज और सीख ली फिर बढ़ते 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 देखा कि भाई इतने सारे लॉज हैं, बिकॉज मेरे जैसा बंदा जो तिलक नगर से आ रहा है हमें आई तो पता ही नहीं थी क्या होती है <laughs> कहा आधे एरिया के पास तो बैंक अकाउंट नहीं है कैश पे चल रहा है सीन <laughs> से पैसा उठाया दुकान से उसको खर्च दिया कोई टैक्स हाँ, नहीं हाँ, कोई टैक्स नहीं कुछ नहीं चल रहा ऐसा तो सीन ही नहीं था और uh, मैं बोल रहा भाई आईटीआर होता क्या है बोल रहा इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं इसको सीख लो जितना जल्दी हो सकता है तो ये ये मेरे को ऐसा लगा कि यार लाइक like स्पेशली अपने एरिया से जो आते हैं चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो जब तुम कुछ बड़ा विजन लेके चल रहे हो वो एजुकेशन में बहुत टाइम जाता है नहीं तो तुम बहुत वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए hmm. तो बैठ के उसको अब तो इंटरनेट है बैठो और रिसर्च करो अपना समझ जाता है हाँ, अब तो पता लग गेट द राइट मतलब आई टी आई कहा यार, पता ही नहीं था नहीं पता था नहीं पता था आई टी आर तो इनफैक्ट हाँ. मेरे को भी याद है मेरे को दो तीन साल नौकरी के हो गए तो कंपनी वाले अपने आप काट के दे देते थे टैक्स काट के आ गया बट वेन यू स्टार्ट डूइंग योर ओन डूंग तभी पता लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी टीम का कितना होना जरूरी है राइट right? मेरे आई टी आर से डील करती है मेरी वाइफ मेरी वाइफ, सी ए है तो आई एम वेरी सोर्टेड इन माई वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग मनी क्या करना बिकॉज मुझे नहीं पता है उसको सब पता है कि क्या करना है उसमें कैसे करना है सो एजुकेशन हा जैकोट है भाई मेरा तो सही में जैक पॉट है so, यस यस

Hmm. तो uh, हमने पहले बहुत ट्राई की चीजें देन आई लाइक ओके नाउ आई थिंक दिस कैन वर्क आउट तो ऐसे hmm. सीधा ही डिसीजन uh, नहीं था उसको right. परोस के नहीं दिया गया हाँ, थी, like <laughs> 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 शी फॉर इट आती थिंक उसका हाँ शीज रियली मेरा तो कभी था ही नहीं लाइक आमा

जैसे यू टेक अ टास्क आपने किसी चीज को हा कर दी एंड यू डू इट रिगार्डलेस ऑफ वराउंड तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है बिकॉज यू सेट येस टू दिस टास्क यू हैव टू कम्प्लीट इट तो मेरा वो है। अगर वो कुछ हाँ कर रही है अगर उसको नहीं होगा उसके कैपेसिटी में नहीं है करना तो वो मना कर देती है सीधा कि ये नहीं एल्स से कुछ और करते हैं तो मेरे लिए एक वो कोर होना की चलता रहता है यार सब सब कुछ साथ में चलता है लाइक एक टाइम पे तुम्हें चार मिलियन डिफरेंट थिंग्स इज हिटिंग यू जब आप देख भी रहे हो ना ये एटमोस्फिर ये तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतना सब चल रहा है एंड देन यू फोकस लाइक तुम्हारा फोकस एक चीज पे आ गया दिस इज आई हैव पीपल लाइक मी अराउंड एंड आम लाइक जैसा मैं काम करता हूँ अनस्टॉपेबल को सकता हूँ इस टाइम अगर मैं उन्हें बोलूंगा बिल्कुल पैसा नहीं है ये आईडिया लेट्स एग्जीक्यूट दिस पागल लोग हैं फुल पावर राइट और डाइव वाले पार्टनर होने बहुत जरूरी होता है यार उट इन इंडस्ट्री यू हैव कॉम्पिटिशन एवरीबडी है एंड ऑफ द डे बिजनेस लेवल पे बेचने पे व्यूज पे कितनी स्ट्रीम्स हो रही है कॉम्पिटिशन कम्स इन टू द प्ले सो हाउ डू यू डील विद हाउ डू यू हाउ डू यू थिंक अगर मेरी ये एल्बम नहीं चली तो हाउ डू हाउ डू आई टू मेक रीच मोर कंपटीशन ये ये क्लीशे लग सकता है बट मेरा कॉम्पिटिशन मैं ही हूं पिछले दो साल में ऐसा नहीं था आई वॉज लुकिंग आउटवर्ड कौन क्या कर रहा है कैसा मैं मैं कहा पहुंच रहा हूँ क्या हो रहा है लॉट ऑफ प्रॉब्लम जब मैं फिर मैंने ये दो साल मैंने देखा और तू कब से सेल्फ डाउट करने लग गया इस चीज पे कि मैं सही म्यूजिक बना रहा हूं कि नहीं <laughs> एक ही तो चीज आती है करने में जो उस पर भी डाउट कर रहा है मैं अपने आप से ये बात कर रहा हूं फिर मैं पीछे गया दो साल पहले <laughs> मैंने माया में यही बात बोली है बेहतर अपने आप तो मैं आप तो मैं लड़ाएं अपने आप तो मैं आप हर दिन तो बार हर दिन माई कॉम्पिटिशन इज माई लास्ट सॉन्ग

वो एलिमिनेट कर दिया अब मैं सिर्फ अपना गाना देखता हूँ थप्पड़ इज डूइंग बेटर देन डिड लास्ट लास्ट डीलक्स से जैसा ब्रह्म डीलक्स में मैंने जितना डाला था अगर सॉन्ग बाय सॉन्ग देखे तो इट्स डूंग बेटर

मेरा दूसरों को देखने का नजरिया अलग हो गया एकदम बिकॉज दे आर नॉट माई कॉम्पिटिशन आई सी दे मेस भाई वो भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं हु एम आई टू ब्रिंग एनी वन डाउन और लाइक उनको ऐसा तो तेरे को नीचे लेके मैं ऊपर जाऊंगा नहीं 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 hmm. वो अपनी मेहनत कर रहे हैं एंड लाइक आई सी एवरी ऑल दी आर्टिस्ट दे गो थ्रू देयर ओन बैटल्स आल्सो ऐसे मैं जा रहा हूँ चाहे किसी भी पोजीशन पे हूँ वो hmm. सब कुछ सेट करके बैठे वो hmm. मेरे दोस्त ने ना मेरे को अभी एक बहुत अच्छा एक सही बात बोली जिसने मेरे लिए बहुत कुछ चेंज कर दिया कहता जो तेरी कोर टीम है ना हाँ। hmm. वो ऐसी होनी चाहिए कि तू तो उनके साथ बैंक लूट सकता है हाँ, hmm. राइड और वाले पार्टनर अगर तू हाँ अगर तू बैंक नहीं लूट सकता किसी के साथ तो तेरे कोर टीम में नहीं होना चाहिए वो इंसान हाँ। हा, अगर तेरे को हल्का सा भी ऐसा कि <laughs>

उसके बाद कभी नहीं आई चेक बहुत बड़े आए हैं उसके बाद हा, हा, आ, हा। अर्ली डे में दस लाख का चेक था अरे कि वो, वो मेरा शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मैनिफेस्टेशन था मेरा एक हा, कि हा, हा। यार दस लाख देखना है एक बार क्योंकि अभी तक तो मैं हजारों में खेल रहा था पांच सौ रुपए हजार रुपए केक का मिलता था और ऐसा सब होता था और फिर धीरे धीरे बिल्ड किया अच्छा। बिल्ड किया एल्बम डाली लाइक यस दस लाख रुपए लाइक वो जीरो देख के ना जो मजा आता है कि ओ हो, हो मजेदार फिर उड़ा दिए सारे पैसे फिर आया अंकल सुमेंदर अंकल आया और बोले कि भाई मेरा कट किधर है इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो फाइनेंसर होते हैं ना जो एरिया में बैठे होते हैं हाँ हाँ वो ऐसे होते हैं कि इंटरेस्ट दे मेरा ब्याज दे जब लगा कि यार बहन जो अब पापा मम्मी को मैं कुछ ला के देता श्योर sure. ये घर भाई मतलब घर खरीदा नहीं है बट आई मूव देम आउट ऑफ दली मैं उनको यहाँ लेके आना वॉज माई बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे डैड का हेल्थ ठीक हुआ Haan. वो देखा मैंने भाई Oh, तुम चाहे जितना मर्जी पैसा हो तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्थ खराब है तो तुम अगर सर दर्द भी है ना सोचो तुम एक एक बढ़िया से घर में बैठे हुए हो चाहे तुमने एक दिन के लिए क्यों हेरबियन भी किया हो hmm. पर उस दिन तुम्हारा सर दर्द हो गया hmm. भाई जो ऐसा होता है ना कि यार आज hmm. मेरे पास एक दिन था और मेरा सर दर्द हो रहा है इसमें तुम खज्जल हो जाओगे नहीं सही तो मैंने समझा मैं भाई इनको दिल्ली से निकालो और यहाँ लेके आओ

हम हाँ। कैसा था वो कल्चरल शिफ्ट होगा उनके लिए तो बड़ा ही जबरदस्त मेजर 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 एक तो हम तिलक नगर कृष्णा पार्क में जहां से मैं हूँ हाँ प्लस हाँ। uh, like uh, हमारे रिलेटिव भी वहां रहते थे यू नो you know, और ये सब पर uh, मैंने अपने घर वालों को यही समझाया कि वैसे भी तुम फोन पे ही बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे ही बात कर रहे हो उनके साथ <laughs> यहां से कर लेना क्या हो गया क्यों कितना फर्क पड़ेगा देन दे केम हेयर एंड दे एक्सपीरियंस्ड ओपननेस मैंने तीन लाख रुपए डिपॉजिट जमा किया था घर का दिल्ली में जस्ट टू लीज इट फॉर टू इयर्स और ये बड़ी पेमेंट थी बहुत जो मैं इकट्ठी कर रहा था उस टाइम पे कि ये मैं दिल्ली में घर और वो घर में बेडरूम ऐसा कि बेड डाल दो तो भाई चलने की जगह नहीं है टापके के जाना पड़ेगा उस हा नॉट वर्थ इट नॉट इट बट ये था कि हाँ कि रोड पे है चलो ठीक है गाड़ी पार्क करने की जगह है बस वो उसका एक प्रो था और दो पेड़ थे घर के सामने बस ठीक है और कुछ नहीं है पर उस उस सरदार सरदार जी ने मेरी जात मेरा Uh, मेरी कास्ट hmm. और uh, मेरा प्रोफेशन सब पे उंगली उठा दिया था तू एक तो लोअर कास्ट से हो तुम लोग सेकंड यू डोंट हैव अ जॉब ओहो भाई मेरा ऐसा हो गया था ब्रो गूगल तो कर एक बार मेरा विकीपीडिया पेज ने... है <laughs> समझ रहा है तू उस आदमी को कुछ समझ नहीं आएगा एंड देख गोवा दोस्त के पास रह रहा था लिया रह रहे रह थे हाँ. And, uh, मैंने रात को हमने घर देखा सुबह हम आ गए उस घर में हुँ. उस लैंडलॉर्ड ने मेरे से कुछ नहीं पूछा मेरी जात क्या है तू करता क्या है क्या सीना हाँ क्या करते हो नाम क्या है तुम्हारा और uh, लाइक like, कहाँ से हो नाम क्या है तुम्हारा इतने में बस डन उसको पैसे पकड़ाए यहाँ आए और मेरा ऐसा एकदम से फिर वो अलग रियलिटी खुली दोबारा से हाँ। और के लिए तो कुछ सेम नहीं पूछा हाँ सेम उनके लिए भी खुली कि हाँ, तुम जजमेंट नहीं है तुम जज नहीं कर सकते किसी को कि उन, उन्होंने कैसे क्या पहना है उससे कि दिखने में ऐसा है तो इसके पास क्या ही होगा भाई दिखने में ऐसा है वो आधा एरिया है उसका लाइक समय तो यू नो

आउट 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 कमेर 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 आइस आउट कितने साल गए भाई ये पांच साल की हो गई भाई अरे काफी मिडिल चल रहा है अभी लाइफ क्राइसिस भाई है. गेटिंग इनटू दिस म्यूजिक थिंग विच वॉट आर्टिस्ट वर योर बिगेस्ट इंस्पिरेशंस

And the yeah. same is happening with you. If anybody is going into riding a Lamborghini, Prabdeep is riding into an auto rickshaw, but still making it look like a Lamborghini because the content is so yeah. fucking good. Right. So, Ma, what was ade, the inspiration? Mirku Early days. may I think my mentors, Zan, Zan two shades, These okay. are the Zan two shades, uh, ये चंडीगढ़ का सीन था बेसिकली चंडीगढ़ वाज द आई थिंक वाज द फर्स्ट सिटी बैंगलोर एंड चंडीगढ़ वाज दीस टू सिटीज दे हैड बैंगलोर में ब्रदर वी वो एमडब्ल्यूए था माचास विद एटीट्यूड था बैक देन लाइक बहुत पुरानी बात है बिफोर और कोट एंड एवरीथिंग चंडीगढ़ हैड लाइक देसी बी दे डिड सॉन्ग्स विद बोहेमिया बैक देन देन टू शेड्स लग उसमें एक और एक डार्क स्किन है सो टू शेड्स सो वो लोगों ने मेरे को इंस्परेशन दी उस टाइम लाइक मैंने ट्रे वगैरा सुना और वो सब किया बट दे साइफर क्या सही कर रहे हैं नाउ आई एम सींग एन गेटिंग अब hmm. अब वो इंस्पिरेशन है कि वाह लाइक like, मिलता है बट अर्ली डेज पे आई थिंक दीज माई कि भाई तू अपना रास्ता बना सकता है और विदाउट स्पेसिफिकली टेलिंग मी कि तू अपना रास्ता बना सकता है दे आर जस्ट लाइक बहुत छुपा छुपा के उन्होंने मेरे को चीजें hmm. दी right. कि ये हम एक hmm. हॉस्कस में एक टाइम पे मैं 8 शोज कर रहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ। है ठीक है ज़ैन ने ज़ैन ज़ैन टू शेड जो मेरा मेंटर है ही एंडेड मी द माइक ही इज लाइक आई एम परफॉर्मिंग तू मेरे को हाइप कर हाँ। कभी हाँ। माइक नहीं छुआ है कुछ नहीं है हाँ। और uh, मैंने माइक उठाया आई स्टार्टेड रैप लाइक हाइपिंग हिम अप भाई गा मार दी मैंने उसके सेट की <laughs> खुद तो गलत खुद तो बहुत घटिया परफॉर्म हाँ। किया मैंने हाँ। उसकी भी परफॉर्मेंस बिगाड़ दी हाँ। <laughs> मेरे लाइक like, उसको भी ऑफ हाँ। कर दिया बीच में हाँ। गिग खत्म होता है वो आता है मेरे पास अब मैं ऐसा हूं कि भाई रियली सॉरी एंड एंडिंग चिलिंग वो कुछ नहीं बोल रहा है वो अपना लोगों से बात कर जैसा गिग से पहले था शो से पहले था वैसे ही शो के बाद है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट पे मैं क्या से समथिंग ब्रो से समथिंग हाँ कुछ डांट कुछ हाँ। तो कर लाइक हाँ। like, हाँ। ऐसा हाँ। मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट लग रहा है ये हाँ। अभी तू इज लाइक तेरा पहला परफॉर्मेंस था तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था स्नूप डॉग बन जाएगा क्या हाँ। <laughs> हाँ। <laughs> नहीं, सही बात है <laughs> like, हाँ। <laughs> पहले परफॉर्मेंस में क्या एक्सपेक्ट कर रहा तू फाड़ देगा नहीं ऐसा नहीं होता है यू लर्न फ्रॉम एयर और फिर मैं उसके साथ चलता रहा स्टडी किया उसको यू नो लाइक हाउ द क्राउड धीरे धीरे करके उसके साथ किक क्या। एक दिन आके वो मेरे को बोलता है कि भाई ये ले तारा तू कर मैं जा रहा हूं सुदान अच्छा अभी तक मेरे पास ऐसा एक इंसान है जो मेरे को दिखा रहा है रास्ता ऐसा, ऐसा ऐसा करना और एक ही दम से चला गया वो बोल के निकल गया भाई अगले दिन <laughs> क्या तू देख अपना और तू संभाल इसको <laughs> और मैं एकदम से हड़बड़ा गया मैंने बोला भाई ये क्या सीन है और उस टाइम पे कोई अ कोई भी क्लब हॉस्कस विलेज में hmm. अलाउ नहीं करता था पंजाबी में रैप करना या हिंदी में रैप कोई रीजनल लैंग्वेज वाज नॉट अलाउड सिर्फ इंग्लिश में करो अच्छा ये सीन था ठीके ऐसा सीन था व्हाट ईयर वाज दिस व्हाट ईयर वाज दिस 2011 12 ओह oh, हां यार तब तो बहुत ही पहले था इट्स लाइक प्री फेसबुक और ऑल हॉस्कस विलेज वाज नॉट हाँ हॉस्कस विलेज वाज वेरी हट आर्ट सेंट्रिक मतलब वो अपस्केल अब तो बहन चो नोएडा बन गया साउथ तो ग्रेटर नोएडा साउथ बॉम्बे था उस अरे भाई जा रहे हैं, मतलब वहां तो <laughs> तुम बैठ के अगर तो देख लो ना और वही मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वो स्टोरी क्या हुआ फिर उसके बाद अब गिग देने बंद हो गए भाई अब जिन क्लब्स में ऑलरेडी कर रहा था जैन एंड आम हाइपिंग हिम अप एंड एवरीथिंग मेरे को भी मिल रहा है पाँच सौ पाँच सौ जो भी जितना हो रहा है एंड वी वर बिल्डिंग एंड वो चला गया उसके बाद अब मेरे को समझ में आया कि भाई क्लब में शो तो नहीं मिल रहा hmm. मैंने एक स्पीकर उठाया एक hmm. माइक उठाया क्लब के नीचे ही परफॉर्म करना चालू कर दिया अच्छा हाँ और कॉप्स आते हैं हाँ। yeah. आगे मेरे को बोलता है देख सुनना है क्या बोला उसने आ, हा, 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 तुम शोर मचा रहे हो यहाँ पे आ, तुम शोर मचा रहे हो विलेज की स्ट्रीट पे आप गए हो विलेज की स्ट्रीट पे हा, 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 हा। समझ नहीं आता कितने गाने चल रहे हैं साथ में हा, इतना हा, शोर हा, मच रहा है मेरा मेरा स्पीकर तो सबसे कम आवाज कर रहा है क्या बोल रहा है तू इट वॉज हर्टिंग देयर बिजनेस क्योंकि वहां ऊपर से लोग देख देख के नीचे आ रहे हैं भीड़ इकट्ठी hmm. हो गई है स्ट्रीट पे hmm. कि यहाँ ये इंटरेस्टिंग हो रहा है क्लबों में तो yeah. क्या ही हो रहा है यहाँ क्या, क्या हो रहा है यहाँ देखना है हमें hmm. फिर वो कंटिन्यू हुआ फिर हमने सैटरडे नाइट को चालू किया हमने बोला देखो भाई सैटरडे नाइट को पार्टी चल रही है लोग शराब hmm. पीते हैं यहाँ खत्म होने वाला है साढ़े बजे हम चालू hmm. करेंगे बारह पे hmm. पार्किंग के अंदर सबने आना है गाड़ियों अपने गाड़ी लेने गाड़ी में बैठना है शो किसी भी वेन्यू की कैपेसिटी 200 सौ तीन से ज्यादा तो नहीं थी हॉस्कास विलेज में उस टाइम पे छोटे छोटे क्लब्स थे absolutely. पहली नाइट पे हमारे आसपास 500 लोग थे oh, <laughs> <laughs> हम एक थार थार के बोनट पे खड़े होके परफॉर्म कर रहा था मैं और और भी एमसीएस थे साथ में और फिर पुलिस वाले स्पीकर उठा के गए हम इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है दिख रहा है पुलिस वाले स्पीकर उठा के लेके जा रहे हैं देन इट बूमड लेकिन एकदम होता ना कि आ, आज रात के बाद सीन बूम हो गया देन आई hmm. वो देखा किसी ने रास्ता के ओनर ने देखा वो hmm. कि यहाँ आ जा एक डीजे hmm. ने देखा कि तू मेरे साथ भी कर सकता है hmm. वहां से फिर वापस बिल्ड करना चालू किया वीक like hmm. हफ्ते hmm. में मतलब एक एक रात में दो दो बजा रहे हैं hmm. एक इधर बज रहा है एक आफ्टर पार्टी क्लब में भी बज रहा है और मेरे तो बज रहे हैं और भी लोगों के बजवा रहा हूँ लाइक और लोगों को भी इधर लगा yeah. तू इधर कर तू इधर कर यू नो लाइक like, तो yeah. सही सीन के, सेट कर दिया एंड नाउ वी आर हेयर मतलब एक टाइम mm. पे जो क्लब हमें मना करता था ना कि तू पंजाबी yeah. में रैप नहीं कर सकता आज की डेट में उसकी कैपेसिटी कम है mm. हम परफॉर्म नहीं कर सकते वहां पे 200 लोग वापस भेजने पड़े थे सेम <laughs> क्लब में मेरे को किंग टूर पे दिस वाज 2000 लोग वापस भेजे हां दिस इज 2011 और 2019 आई डिड दैट किंग टूर सेम क्लब से 200 लोग वापस भेजे oh, मैं 10 yeah! समझ नहीं आता कि को इतने बड़े क्लब भरने में दस साल लगे हैं राइट ऑफ पीपल स्टार्ट जर्नी उनको लगता है शुरू में जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं बट एक्चुअली ग्रेटनेस कम्स विद लाइक तुम बहुत अपनी गाड़ी देते रहोगे इतने लंबे टाइम तक तब जाके वर्दी तुम भाई साल <laughs> आज जाके मैं हाँ। I mean, the same thing happened Ikkha, पाजी। अगर आपने उनका पॉडकास्ट सुना होगा तो like, 2012 13 सॉरी एक 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 चीज़ और, एक चीज़ और और मैंने hmm. uh, जब मैं वो जैन और टू शर्ट और इन सब को क्रेडिट दे रहा था नो सो बाई वन ऑफ द क्रूज एट दैट टाइम जेबी एंड इक्का इक्का का एक वर्स था आ, एक दिन भी गीत है ना लाइक वो मैंने वो सुना मेरे को याद है मैं उस टाइम ब्रेक डांस करता था और मेरे yeah. मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को वो सुनाया भाई ये सुन yeah. तू क्या सुन रहा है म्यूजिक yeah. ये सुन मैंने सुना लाइक like, वो कनेक्शन कि एक दिन साडा भी, yeah. भी आऊगा जगते जग जगते समाज गीत लाइक yeah. भाई ये आई फील इट फील इट इन माइ बोन्स इन माई लाइक मैं अपने ब्लड में ये फील कर सकता हूँ जो ये बात बोल रहा है और कट कट टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हमने गाना गया साथ में पहला गाना हमारा समाज लाइक सर्कल उन्होंने बहुत मेहनत करी यार बहुत एंड दिस इज द जनरेशन

created this platform you brought me you brought एका uh, uh, on it है uh, ना right? uh, you you brought us because you wanted to bring us here and like talk about our experience and yeah. share something तो hmm. and you are using it the way you want to use it and you of have course. full rights to it right और मेरे को लगता है ऐसा ही होना चाहिए you built it तो आपने डाले अपने दस साल की मेहनत डाली इसपे और I have no say in it आप किसको बुला रहे हो ये इस जनता को क्लियर रहना चाहिए इस बात पे भाई कोई कोई आर्टिस्ट को आके ये नहीं बोलना चाहिए कि यू हैव अ यूज़ इट वेल। मांगी तेरी हेल्प <laughs> मैंने <laughs> बनाया फाइनेंशियल स्ट्रगल्स <laughs> तू अपने दोस्तों को बोलिए जाकेटफॉर्म यूज इट वेल तू अपना खुद बना है हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly, तेरे पास भी इंटरनेट है सेम इंटरनेट मेरे पास है सेम मेरे पास है मैं मैं कर रहा तू तो भी कर ले आ, देख आ, ले आ, करके मेहनत कितनी लगती आ, है क्या होता है absolutely. लोग लोग दिस जनरेशन हाँ, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं भाई क्योंकि hmm. मैंने वो एरा देखा जब फोन नहीं होते थे चार yeah, बजे दोस्त ने बोला मिलने को तो चार बजे जाओ दस मिनट वेट करो वो नहीं आया तो घर जाओ समझ हाँ। रहे हो बैक एंड हाँ। फोर्थ नहीं है हाँ। सिंपल न हाँ। 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 <laughs> कि भाई आया नहीं क्रिकेट खेलने तू अगले दिन स्कूल हाँ। में जाके पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया था हाँ। क्यों नहीं आया मम्मी ने मारा ये हुआ वो हुआ हाँ। जो भी चल रहा है हाँ। आज की डेट में हम इतना आगे जा चुके हैं बी कंफ्यूज मेहनत hmm. मेहनत करके फैंस जो बनाए हैं वी कंफ्यूज फैंस विथ क्लाउड एक क्लाउट मेरे को पता है क्या होता है क्लाउट होता है मिला और गया फैंस hmm. होते हैं जो तुमने बिल्ड करके बनाया है मेहनत करके hmm. मेरे पास फैंस है मेरे पास क्लाउड नहीं है hmm. जो आर्टिस्ट है ना मेरे अराउंड जिनको मैं देखता हूं हाउ दे आर मूविंग देर स्ट्रगल आर देव क्लाउड दे आर फैंस सो डिफरेंस है इसमें यू नो वी आर इन्फ्लुसिंग पीपल इन अ डिफरेंट वे हम डेली लाइफ में इंफ्लुएंस कर रहे हैं योर वट यू से अबाउट मूवीज इंफ्लुएंसिंग पीपल इन डेली लाइफ इट्स चेंजिंग देयर टेस्ट एंड इट्स चेंजिंग देयर लाइफ इन अ वे कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए वो ही उनका लाइफ बन जाता है जो तुम अपना प्लेलिस्ट चेंज करो तुम अपना मूवीज जॉनरा चेंज कर दो फॉर अ मंथ एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस Try it. absolutely, yeah. Yeah. Almost every aspect Hello. of how you do things will change. will change, change. Yeah. music in that And music that that is... Music is 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 one one thing. thing that a, a person is consistently attached to. कहीं ना कहीं कही उसे influence है ही उसका दिमाग में चल रहा है वो कहीं ना कहीं अगर कान में ढक्न नहीं कान में नहीं लगा रखा तूने एयरपोर्ट hmm. तूने सुबह सुना था Haan. और तू अपने लैपटॉप में काम कर सब कौन से तेरे दिमाग में लिरिक्स चल रहे हैं बीट चल रही है yeah.

Fans, that's, that's fan hard yeah. work of years. That's that's hard work of people like virdas that's hard work of people like raftar in this industry, that's hard work mm. of people like Ikka in this industry. Mm. You know? That's mm. hard work mm. of A.R. Rahman that mm. made him reach there where he's mm. at right now. That dedication of like years Diljeet, all these merely yeah inspiration, Mm -hmm. मेरे को भी दूर बाहर जाना ही नहीं है मेरे यहाँ घर पे पड़े हैं भाई अपने देश में इतने यू फॉर इंस्टेंस लाइक यू वर्क फॉर एल्स बिफोर समय हाँ एंड व्हेन यू डू दिस ऑन योर ओन बिल्डिंग टुगेदर ओ एब्सोल्युटली आई आई नेवर डिड कंटिन्यू विद कंटिन्यूड विद बिकॉज मुझे पता था वट एवर आई मेक वुड बी लाइक पैसा सबसे पहले सबसे बड़ी प्रधान हो जाता है यार, हर पे के, के बाद, पैसा प्रधान हो जाता है सारी पार्टियों के लिए सारा कलेष ही वहां से शुरू होता है क्लाउड <laughs> exactly, ये, ये वो वाले क्लाउड चेजर है जो पैसा पैसा इनका क्लाउड है पैसा काम है ना ना हाँ, कि देखो इनको अपने हाँ. आका, इनको अपने इनके आका 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 होते हैं आका। तुम्हारे बॉस का एक आका होगा जिसके पास जाके वो उसकी अचीवमेंट ये आर्टिस्ट इज गेटिंग पेड लेस एंड इज गेटिंग पेड मोर वेन इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड राइट वेन इट शुड बी इक्वलीब दैट टू दैट टू फॉर अटन टाइम हा, हा. वो भी पूरी लाइफ नहीं भाई लुक एट योर आर्ट एज अ अ एज प्रोडक्ट योर वीडियो इज योर प्रोडक्ट राइट तो आपने वीडियो बनाई है आपका प्रोडक्ट है यू वॉन्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इट फॉर गेट इट्स आर्ट फॉर फॉर अ वाइल एंड इट्स 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 योर प्रोडक्ट और आप गए हो किसी के पास इन्वेस्टमेंट लेने आई वॉन्ट दिस इज द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ इट दिस इज वट आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस ब्रिंग दिस आइडिया इन टू रियालिटी ठीक है आपने वो बनाया वाई विंटरेस्ट फॉर ऑल योर लाइफ हाउस लाइक अगर मैं uh, मैंने हार्ड डिस्क बनानी चालू करी ठीक है मैं किसी किसी इन्वेस्टर को पकड़ता हूं वो इन्वेस्टर को मैं पूरे इंटरेस्ट रेट होता है ना दैट इंटरेस्ट रेट शुडेंट बी फॉर परपेचुटी दैट वेरी हायर इंटरेस्ट रेट

हाँ ये अचीव हाँ. करना ये द सेंस ऑफ कंटेंटमेंट फुलफिलनेस वाली जो चीज है ना ये अचीव करनी तो 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 बहुत मुश्किल है हाँ. अगर कोई उस उस मेरा सौख्य खराब कर रहा है मेरा कंटेंट अगर मैं कोई आ रहा है मेरे पीस के बीच में तो मैं उसको हटा दूंगा बिना कुछ सोचे समझे without feeling guilty even for a second हुँ. and that's who i am i choose me before everyone else i choose my peace before everyone else because if i'm not at my peace, peace if i'm How not मैं साउकिया नहीं हूं तो भाई बहुत लोगों की ग लग जाएगी hmm. मैं बहुत अपने भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होगी और मैं लोगों की भी मार लूँगा hmm. तुम भी नहीं बचने वाले <laughs> मैं प्यार से तुम्हें भेज रहा हूं तो तुम चले जाओ नहीं, <laughs> क्योंकि नहीं तिलक नगर

वो एक एक पीरियड आता है जब तुम सीखते हो नया एक्सपीरियंस करते हो एंड यू लाइक लाइक इट यस मेरे को वो लाइट लाइट नहीं पसंद मैं थोड़ा की फील्स होम हा, हाँ, 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 I mean, like, oh, क्योंकि बचपन से तुम उसमें उस रहे हो सो अगेन यू गो बैक टू दी स्मॉल इंस्टेंट टू इट फिर उसके अकॉर्डिंगली बताओ क्योंकि जो बच्चे रोहिणी में बैठ के आपको देख रहे हैं और जो बच्चे तिलक नगर में बैठ के मेरे को देख रहे हैं और कई जो लौंडे होंगे तिलक नगर और रोहिणी के जो आपस में दोस्त होंगे वो साथ में बैठ के इंटरव्यू देख रहे होंगे और वो ट्रिप मार रहे होंगे कि भाई ये दोनों अपने हमारे एक मेरे नेबरहुड से एक तेरे नेबरहुड से हाँ। देख कहां पहुंच गए भाई ये ये पता है इंस्पिरेशन और मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज किया कि लोगों को लोग जब देखते हैं मेरे को ऐसा लगता था कि भाई एक दो वीडियो चल गई ठीक है मेरे को लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है लोग देख रहे हैं बट बिल्कुल सही बात तुमने बोली कि भाई साथ बैठ के वो देख रहे हैं बी लाइक यार हम भी कर सकते हैं हम भी बना सकते हैं राइट yes. और छोटे छोटे से इम्पैक्ट हाँ जरूरी नहीं है वो म्यूजिक ही करे और या वो क्रिटिक ही हो दे कैन बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज दे अ क्रिएट

पहाँ, मैं पहाँ मैं भूल गया था यार ये बीच में ये भूल गया था बीच में व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स लाइक कि ओ नंबर्स नहीं आ रहे यार मेरे को मेरे को भी चाहिए थोड़े और नंबर्स hmm. पर माय uh, फैंस भाई hmm. मेरे फैंस जितना क्वालिटी मेरा कंटेंट है ना जितना क्वालिटी मेरा म्यूजिक है उतने क्वालिटी फैंस भी है Hmm. क्योंकि वो भी लाइफ में अच्छा टेस्ट उनको भी अच्छा चाहिए सब कुछ तो वो मेरा म्यूजिक कंज्यूम करते हैं अनुष्का शर्मा हर्ट अमर या फिर अच्छा. उनके टीम में से किसी ने अमर सुना और उन्होंने सुनाया आई रिमेम्बर शी इंस्टाग्राम एंड आई वॉज इन मेरे को किसी ने भेजा टैग नहीं किया था Like, और उसपे लिखा था कि व्रेजी आर्टिस्ट एंड देम बैक होम आई विज लाइक वा ओके दिस इज गुड केम बैक होम माई सिस्टर टॉक ऑन फोन टू समबड़ी किसे बात करते करते बोल रही है नहीं 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 पहले उसने नहीं फॉलो किया था पहले उसने फॉलो किया था मैंने कहा किसकी बात करी है एंड शीज लाइक विराट कोहली फॉलोड यू एंड अनुष्का शर्मा <laughs> भाई मैं बेड पे बैठा बाल -बाल हुआ मेरे और <laughs> कच्चे में सो रहा है लिटरली लाइट नहीं <laughs> आई थी लाइट नहीं आ रही थी उस दिन <laughs> और मैं देख रहा हूं भाई ये क्या सीन चल रहा है और मैं थोड़ा टाइम तो मतलब शॉक में था एंड लाइक माय सिस्टर केम बैक लाइक तूने फॉलो बैक तो किया ना लाइक like, oh <laughs> फॉलो बैक किया उनको <laughs> 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 कि <laughs> <laughs> भाई ये, ये मतलब मैं एक शौक में भी चला गया था टेस्टमेंट था क्योंकि विराट इज फ्रॉम माय नेबरहुड हां हां चलो हा, वो हम करते हैं बाद वो पहुंचते हैं अ सो हाँ उनके टीम से किसी ने किया एंड देन आई आई गॉट टू नो द राइटर्स रोट उड़ता पंजाब एंड आई हैड अ मीटिंग विद देम अच्छा और हम मीटिंग में बैठे एंड बात बात हो रही थी तब ये एंड uh, एक्चुअली तब अमर नहीं आया था ओके दिस इज ये पहले की बात है मैं टाइमलाइन कंफ्यूज कर रहा हूं तब अमर नहीं आया था सो दे बिन वाचिंग मी बिफोर दे बिन वाचिंग मी फ्रॉम वे अभी अभी समझ में आया तो uh, मैंने वो मीटिंग लिया एंड मेरे को याद है मैं मीटिंग में बैठा उनके साथ मैं uh, उन्होंने मेरे को एक सीन समझाया कि ये सीन है आपने देखा है ऑफ कोर्स देखा ही यार मैंने हमेशा से रेट हाँ। किया टॉप थ्री सीरीज एवर मेड इन इंडिया इजर सो दैट दैट स्टोरी ऑफ दैट कैरेक्टर इज व्हाट आई लिव्ड इन माय चाइल्डहुड बिकॉज आई एम अ लोअर कास्ट सेम एग्जैक्ट सीन ठीक है तो एंड जब वो मेरे को स्टोरी बता रहा है मेरे को मेरे को आ रहे गोसबम लाइक like, भाई तूने एकदम सही बंदा पकड़ा है नो वॉकिंग अबाउट फिर मैंने उससे पूछा कि मैं uh, गाली दे सकता हूँ uh, बोला कि गाली तो ब्रो बहुत पीछे छोड़ा है तू तो डाक चला जाइक एंड गो फुलीड दैट वॉज द जो अभी गाना है ना उसमें दैट वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट

उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी द अंडर टोन ऑफ इट मूव लाइक सीरीज में यही होता है ना बोलते कुछ और है उसका अंडर टोन कुछ और होता है लाइक यू वट यू वॉच डेन योर चाइल्ड हुड वट यू वॉच द सेम थिंग यू वॉच नाउ मीन्स डिफरेंट बिकॉज यू अंडरस्टैंड मोर पर डायरेक्टर ने तो कर दिया था ना उसी टाइम काम दे दे रोट इट लाइक दिस आई मीन लाइक द गुड वंस है ना म्यूजिक में भी ऐसा ही होता है बचपन में जो गाना सुना है आप सुनते हो मतलब ही अलग है कुछ नहीं, तो नहीं, नहीं। वो अंडरटोन मेरे को एकदम एकदम क्लियर था कि क्या बोलना चाहता है लाइक व्हाट यू वांट टू शो आई आई कंप्लीटली और उस टाइम शूट नहीं कर रखा था उन्होंने इट वाज जस्ट ऑन द पेपर तो मेरे पास सिर्फ डायलॉग्स थे उसके एंड uh, बाकी डिफरेंट uh, जो उनका स्क्रीन प्ले रहता है वो था एंड अमेजिंग अमेजिंग कोलैबोरेशन मतलब सोच रहे हो आप कमर्शियली यू यू वर्क इन दिस इंडस्ट्री यू नो हाउ मच बैक एंड फोर्थ यू हैव टू गो विद प्रोडक्शन हाउसेज यू नो की वो बहुत करते हैं. Ha, or, what, उनका, उनका वो रिफ्लेक्ट होता है जैसे mm -hmm. वो है रियल लाइफ में और वो काम क्या कर रहे हैं है, mm -hmm. you know, उनके काम में दिखता है वो वट एवर दे पुट आउट

तुमने अपना द बेस्ट अबाउट यू आर वेरी ओपनली अबाउट इट यू आर नॉट ओनली अबाउट इट इन बेस्ट सीरीज इन इंडिया एक सबसे बड़ी चीज को क्यों नहीं सुना जाता पंजाब रीजन में स्पेशली बिकॉज मेरी पंजाबी अलग है hmm. अब मैं अपनी पंजाबी अलग हाँ मैं और दिल्ली वाली मैं पापा हूं ताइयों पप्पे जट्टा तो चपेड़ खान उस पर बंदे ऑफेंड हो गए हैं कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है भाई मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ मेरे को चपेड़े बड़ी है hmm. समझ रहे हो सो दिस इज एंड आई दिस इज द ट्रूथ आई लिव इट ब्रो लाइक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ hmm. मैंने जिया है ये मैं वो बता रहा हूँ आपको hmm. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं किसी और का भी नहीं बता रहा हूँ hmm. तो मेरे लिए लाइक like, ये बहुत हैवी टॉपिक था लाइक no, that, like वो बहुत हैवी been... एक हैवी uh -huh. वो, वो 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 बहुत हैवी टाइम था कि दिस इज हु आई एम एंड नाउ आई रीच द पॉइंट वेयर आई एम स्टक समवेयर इन बिटवीन आई एम नोन एंड गेटिंग हर्ट लाइक एक एक नोन नाम पता है सुना नहीं है लोगों ने ज्यादा और सुना भी है तो ऐसे बोलते कि पंजाबी बोल रहा है यार hmm. वो, ये hmm. ये कैसी पंजाबी है एंड आई डोंट रियली केयर लाइक मैं मैं जैसे मेरे घर में बोली जाती है मैं वो बोल रहा हूं तुम्हें नहीं पसंद तुम्हें hmm. डिस्क्रिमिनेट करनी है या कर लो hmm. मेरा चल रहा है मैं गोवा रहता हूं hmm. और मैं इसके बाद बड़े घर में जाने वाला हूं बिकॉज दिस इज माई विजन एंड आई एम गोना अचीव इट एनी हाउ यू हेट इट यू लव मी एंड देन देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट जिनको लैंग्वेज भी नहीं आती है पंजाबी का दूर दूर आया। मैं चेन्नई में शो किया था ब्रो फटा है शो hmm. मैं बोल रहा हूं हाउ मैं पंजाब में शो किया ग्यारह लोग आए hmm. अब डायनामिक देखो ब्रो, वही ना अरे वही तो सीधे डिस्क्रिमिनेट अपने लोग करेंगे जहां तक मैंने ये चीज समझी है ना डिस्क्रिमिनेट अपने लोग करेंगे पंजाब वाले पंजाबी समझ सकते हैं जो तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि ये हमारी जैसी पंजाबी क्यों नहीं बोल रहा अरे भाई वो बंदा पंजाब में पला बड़ा नहीं वो दिल्ली के तिलक नगर में पला बड़ा है दिल्ली का कल्चर अलग है तुम हाँ। ये तो समझो वो बोल क्या रहा है मेरे को बात बताओ कितने सिख आर्टिस्ट ऐसे जिन्होंने कास्टिज्म के बारे में बात करी जितनी बात तुमने खुल के बात करी है कोई भी नहीं करेगा हाँ बिकॉज वो डायनेमिक भी है ना डरते हैं ना कि अभी फिर से कुछ हो जाएगा यार भाई मैं मैं बड़ा हुआ मार खाते खाते मेरे को दो मुक्कों से डर नहीं लगता बहुत बहुत थिक स्किन है, hmm. और जब मेरे हाथ चलने चालू हुए थे ना तो फिर मैंने मैं भी नहीं रुका था hmm. तो मैं दोनों साइड पर रह चुका हूं hmm. खाने वाले और मारने वाले और मेरे को समझ में आ गया दोनों में ही फायदा नहीं है hmm. साइड हूं मैं हा अच्छा। हा hmm. हाँ, अपना बट आई है थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट एंड आई फ्रीडम और ये मेरा राइट right है आई कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो तुम्हारी आइडियोलॉजी है तुम्हें ऑब्जेक्शन हो रहा है तुम तुम अपने पास रखो उसको ये मेरी है तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो मैं तो किसी को बोल भी नहीं रहा अब तो मैं ट्रांसलेशन डालना भी बंद कर रहा हूं अच्छा। <laughs> जिसका हाँ अब मेरे को चाहिए भीड़ नहीं चाहिए अगर मेरे को चाहिए मतलब बड़े नंबर चाहिए यस पर मेरे को क्वालिटी होना चाहिए वो hmm. जिनको सही में समझ में आ रहा है क्लाउड नहीं चाहिए फैंस चाहिए सिंपल। hmm, नहीं एब्सोल्युटली और वही रिफ्लेक्ट होता है हर गाने से hmm. हर वीडियो से इस इंटरव्यू से मेरे को लगा इस इंटरव्यू में जितना तुम खुले हो मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे एक दो इंटरव्यू देखे थे you are, you are ये सुनने के बाद जो लोग तुम्हारे गाने सुनेंगे या गाने सुनने के बाद ये देखेंगे उनका प्रस्पेक्टिव भी बदल जाएगा हाउ व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट प्रब इज मुझे ये the हाँ। the way the way you 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 have come out thank you so been... much, man. By, I, I, thank so so much much man I I, this I this 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 interviews bro hmm. mm. Mere paas humare, wo pr list hoti hai na. Ah, ah, like आते हैं मिलते हैं मैंने टेम्पलेट बना रखा है ये इंटरव्यू अगर वो लोग देखेंगे तो तुम देख लो मेरे कोई परवाह नहीं है मैंने जैसा वो इंडस्ट्री का भी एक टेम्पलेट है ना व्हाट इंस अपन मेरे से कोई पूछ लेता है ना आपने भी मेरे से पूछा व्हाट इंस्पायर यू मैंने hmm. आपको जवाब दिया बिकॉज hmm. आपने आगे पीछे बहुत अच्छा पूछा है hmm. पहला hmm. सवाल अगर तुम मेरे से पूछ लेते ना ओके सो व्हाट इंस्पायर यू हाउ डिड यू गेट हेयर बदक़र कर बैन <दे> <laughs> <मैं। laughs> I absolutely Shut I knew, it, I knew <laughs> 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 भाई हो गया ना तो वाला. There's so, so much more to an artist. हाँ तो ये कोई पूछता नहीं था एंड लाइक व्हेन यू कॉल्ड मी एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड आई सॉ इक्का पॉडकास्ट आल्सो आई एम लाइक भाई वो भी खुल के आया बार आई नेवर सीन हिम लाइक टॉक लाइक दिस एवर आई एम लाइक वी एक्चुअली नीडेड दिस हमारी कम्युनिटी में ये चाहिए था कि लाइक क्रॉस बिटवीन लाइक टू डिफरेंट साइड्स

जागे बहुत सही लाइक अगर तुम्हें देखना you, है कि मूवी सही में कैसी है <laughs> तुम्हें जानना है देखने से पहले तो इसको देख लो सही थैंक यूटा बंदा थैंक यू भाई थैंक यू सो मच फुल पावर भाई थैंक यू so भाई थैंक यू एंड नेक्स्ट टाइम एम इन इंडिया आई एम एम हिटिंग यू अप वी विल मीट एंड विल पार्टी टुगेदर और एक पॉडकास्ट तो वहां से भी लाइव डन भाई आई एम प्रीटी श्योर Are bhai, full power. Let's do <laughs> full it. Power, bhai, full Let's power. do it. And we got to do it something like this. 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 this.